महोदय आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसा एक इम्पोर्टेंट बिल में आप मुझे बताने का मौका दिया। हमारे ये बिल आने के बाद मेरा ऐसा याद होता है, ये सरकार के प्रति भी मेरा बहुत आभार, मैं भी बहुत आभारी होते हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ये समाज में सुख कैसा होता और ये कैसे हम समझते हैं। समाज में सुख होता है जब हर वर्गों का दुख हम निवारण कर सकते हैं, तब होता है। अब देखिए हमारे ये सरकार, हम सबसे एक छोटा वर्ग है, आप जानते हैं ये सदन का, आपके कोई नजदीक वाले कोई किसी घर वाले को कोई बच्चा नहीं होता, माँ बनने नहीं होता, इसका दुख क्या होता है, कैसा होता है, ये हम किसी को हमारे क्लोज रिलेटिव्स है तो हमको जानकारी है तो हम समझ पाएंगे। कोई माँ को आफ्टर देयर मैरिज इफ शी डज नॉट गेट चाइल्ड तो क्या होता है, उसके ससुराल में दुख है, जो नेबर्स है नेबर्स में भी दुख है, तो ऐसे एक परिस्थिति बनता है। कभी कभी ऐसा होता है एक बच्चे को जन्म से जानते हैं उसका यूटरस नहीं है, ओवरीज नहीं है, लेकिन उसके शादी हो गया। ऐसे में कई घटना गायनोकोलॉजिस्ट होने के नाते हम नजदीक से देखा है, ऐसा हुआ है एक बच्चे को बचपन से उसका यूटरस ओवरी नहीं है, लेकिन उसको शादी हुआ, अच्छे से शादी हुआ, और फिर वो सैरोगेट के मदर के द्वारा बच्चा मिला और वो अच्छे रहे। लेकिन इसके दौरान जब ये चलते थे, आज तक कोई सरकार ने ये नहीं सोचा कि जगह जगह में सैरोगेसी क्लिनिक बन गया। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, मुंबई में ऐसे बहुत सैरोगेसी क्लिनिक चलते हैं, और वहाँ एक महिला तो हर जगह में वो सैरोगेट मदर बनते हैं, और दो तीन महीने के पश्चात वो दवा खा के वो बच्चा नष्ट कर देते हैं। कई कई ऐसा घटना भी होता है, मदर बनते हैं और उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ वो ज़्यादा पैसा चाहते हैं। तो पहले हमको जानना चाहते ये जरूरी है, सैरोगेसी मदर क्या है, सैरोगेसी क्या है, सैरोगेसी में कोई ऐसा व्यवहार अभिप्रेत तो है जिसके द्वारा कोई स्त्री किसी आशय रखने वाले दंपति का बालक को इस आशय के साथ आपने गर्भ में रखती है और उसे जन्म देती है कि वह जन्म के पश्चात बालक को आशय रखने वाला दंपति को सौंप दे, दैट इज इंटेंडिंग कपल दे विल गेट द बेबी। तो इसके बारे में कोई कानून नहीं था, देयर इज नो लॉ, तो नेचुरली देयर वॉज करप्शन। इवन आई हैव हर्ड दैट वन जापानीज कपल दे केम टू इंडिया एंड आफ्टर हैविंग द बर्थ ऑफ ए कॉन्जेनिटल एबनॉर्मल बेबी दे आर नॉट टेक, दे डिड नॉट टेक द बेबी एंड देयर वाज सो मच प्रॉब्लम वाज देयर। सो देयर मस्ट बी ए रूल एंड दैट रूल हैज बीन मेड बाय आवर गवर्नमेंट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर हर्षवर्धन एंड मोदी जी, माननीय मोदी जी। इसमें क्या है, वी वेलकम द पॉलिसी मेजर फॉर ह्यूमन बींग इन जनरल एंड चाइल्डलेस पेरेंट्स इन पर्टिकुलर एज मेंशन इन द क्लॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट ए बोर्ड कॉल द नेशनल सैरोगेसी बोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एज बिकॉज देर विल बी नेशनल बोर्ड एट द सेम टाइम देर विल बी State board, state national surrogacy board. As there will be a state national surrogacy board, there will be a district surrogacy board. The board will consist of bureaucrats, experts, and state level members. One will be the eminent medical geneticist or the embryologist, an eminent gynecologist and obstetrician, or experts. And third will be eminent social scientist. Fourth will be representatives of women welfare organizations.
and representatives of civil society working on women's health and child issues. Four is the fourth chairperson of the state board. Mahoday, aise jo marji ho jaye, wohi, she once cannot be a surrogate mother. There is some age limit. That is from 23rd to 25 to 35. 25 to 35. This is a definitive. From that period, the chance of abortion and chance of complication is much less. And at the same time, the intending couple, their age limit is 23rd to 55. So there is a definitive rule. But I would like to tell all the members of the House that to support the bill. At the same time, I would like to give some suggestions. I think this is the first time we are mentioning this type of rules, and the board, gradually the different suggestions can be accepted also. That one thing that has been written in the rule, that 5 years is the waiting time after marriage. But if a girl knows at the age of her 12 age or 14 age or 15 age, before marriage she knows that she did not have any uterus and ovary, then what is the time? If her age of marriage becomes 30 or 31 like this, then whether this waiting time can be minimized from 5 to 2 or 3 years like this. This is one. And another suggestion is, nowadays in a couple we have seen that the husband is also one child from his parents and the wife is also one child from her parents. At that time it is going to be very difficult to have close relative as a surrogate mother. And at that time, if the board can consider, after so many things, that his good friends and any other social members can come as surrogate mothers, I think this can be in consideration. I will request Dr. Harshavardhan to make it in consideration. And lastly, again, I request all the members, to support this holistic measures and to support this bill for the important health policy measures.